टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के शाहू नगर इलाके में और आपको बता दें कि ये मुंब्रा का शाहू नगर इलाका मुंब्रा रेलवे स्टेशन से बिल्कुल लग कर है। आपको दिखा दें कि यहीं से बाजू में शाहू नगर इलाके के बाजू में ही रेलवे पटरी है, आकर ही आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर शाहू नगर के लोगों का घर है। बिल्कुल पटरी से कुछ ही कदम की दूरी पर यहाँ शाहू नगर इलाके में करीब 200 से 250 यहाँ पर झोपड़े हैं। ऐसे में रेलवे ने इन झोपड़ा धारकों को नोटिस इशू किया है और 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के अंदर ये अपना मकान खाली कर दें। जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में नोटिस मिलने के बाद काफ़ी हड़कंप मच गई थी और जो यहाँ के एनसीपी के कार्यकर्ता हैं आरिफ, इन्होंने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड से इस मामले में संपर्क किया और आज रात करीब 10 बजे के आसपास खुद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यहाँ शाहू जी नगर इलाके में पहुँचे थे और लोगों से बातचीत की कि नोटिस उन्हें कब दिया गया और कितने झोपड़ा धारकों को दिया गया, इसकी जानकारी ली और मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करते हुए खुद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफ़ी सालों से वो यहाँ इस रेलवे पटरी से लगकर जो शाहू जी नगर इलाका है यहाँ पर वो रह रहे हैं। ऐसे में अचानक रेलवे के तरफ से नोटिस इशू किया गया और 7 दिन का इन्हें समय दिया गया कि वो अपने घरों को खाली करें। बहरहाल गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने यहाँ पर जब दौरा किया उसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कहा और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है सुनिए। ये रेलवे को लग के जो रेलवे को लग के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मुंब्रा के गरीब लोग हैं उनको रेलवे ने अचानक नोटिस दी है कि आपके वजह से ट्रैक को खतरा हो सकता है। आप जो 70 साल यहाँ पे रहे उनके वजह से आज तक ट्रैक को तो कोई खतरा हुआ नहीं था। ये रेलवे की मनमानी है, ये मनमानी है, इसे चलने नहीं देंगे। 70 साल रह रहे वो, रेलवे ने उनको कहीं जगह लेके दो। 70 साल रहे, 7 दिन में खाली करने की बात हो रही है, ये ऐसी दादागिरी और ऐसा जुल्म। सर कितने बिल्डिंगों को और झोपड़ों को नोटिस दिया गया है? मुझे मालूम नहीं, मुझे जिन गरीबों ने बुलाया था उनको मैंने ये आश्वासित कर दिया है कि पूरे बम्बई में ऐसी नोटिसेस दी है। आपको मालूम शायद मालूम नहीं है, पूरे बम्बई में ऐसी नोटिस दी है। रेलवे क्या खेल खेलना चाहती है बम्बई में मुझे पता नहीं, लेकिन बम्बई में अगर बम्बई थाना इस हलके में अगर गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो चाहे कोई भी शहंशाह हो उसके खिलाफ लोग मैदान में उतरेंगे। फिर रेलवे का कितना नुकसान होगा ये शायद रेलवे को भी पता नहीं। सर तो क्या 7 दिन का जो टाइम दिया गया सवाल खाली ही नहीं आता 7 दिन में घर खाली करने का? ये क्या पाकिस्तान है क्या जब मानो घर खाली कर दो? ये अफगानिस्तान है यार? 70 साल आदमी घर में रहे, 70 साल, 70 साल के बाद आप बोलते 7 दिन में घर छोड़ दे? सोई थी क्या रेलवे इतने दिन? तो ये सिर्फ दहशत बताने के करने की बात है। सब थाना का मुंबई का चुनाव सामने आ रहा है तो किसी को ये खेल खेल के बाद में जताना होगा कि हमने तुम्हें बचा लिया। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति नहीं होगी, उनको घर मिल के ही रहेगा? घर मिलने का सवाल ही नहीं, उनका घर ही नहीं टूटेगा तो मिलने का क्या सवाल? ये मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात है। थैंक यू सर। बाजू में रहता है हम लोग, लेकिन उन लोग के ऑर्डर दिया है हम तुम लोग काल करो 7 दिन के अंदर, अगर काली नहीं करे तो तुम लोग का झोपड़ा हम लोग तोड़ने वाले, ऐसा बोल के गया। 7 दिन का ऑर्डर दिए हम लोग रहने के लिए। कितने साल से आप लोग रहते हैं यहां पर? हम लोग 60-70 साल हो गए रहने के लिए यहाँ पे। हम लोग का अगर वो छोड़ देंगे ना फिर हम लोग रहने के लिए तकलीफ होएगा। हम लोग को जगह देगा तो हम लोग उधर चले जाएगा, लेकिन अभी काली करेगा बोले हो तो हम लोग कैसे काली करेंगे? हम लोग रहने के लिए तो जगह चाहिए ना। 60-70 साल में हम लोग रह के अभी काली करो बोले हो तो हम लोग कैसे काली करेंगे? यहाँ पे हम लोग पुराना लोग है, यहाँ पे रह रहे हम लोग काम धंधा सब चले जाएंगे, अगर दूसरे जगह पे जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे वहाँ पे, कैसे जिएंगे बाल बच्चों को लेके? हम लोग यहाँ पे रहते हैं पूरा सबका काम धंधा चालू है, हम लोग यहाँ पे काम करके जीते। अब अगर उधर नया जाएगा तो हम लोग कैसे जिएंगे वहाँ पे? नया हम लोग नहीं चाहिए उधर रहने के लिए, हम लोग यहाँ ही रहेंगे।
अगर कुछ अवर्ड साठ भी आए हैं आज हम लोग का मदद करने के लिए, अगर वो बोले हम लोग तुम लोग को दिक्कत नहीं हो, तुम लोग यहाँ ही रहने का है करके हम लोग सपोर्ट दे के चले गए, हम लोग यहाँ से खाली नहीं करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 70 साल से उनको खाली होने नहीं देंगे, तो आप लोग उनका साथ दे लो ना। कितने साल से रह रहे आप यहाँ पे? हम लोग 15 साल से रह रहे हैं। अभी रेलवे ने आपको खाली करने के लिए बुलाया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ, खाली करने के बोला तो कहाँ जाएंगे अभी खाली करके, रहने के लिए कुछ चाहिए ना, बच्चे लोग को लेके कहाँ जाएंगे, अभी बोले एक हफ्ते में खाली करो तो खाली करने किधर जाएंगे, अभी रहने के लिए कुछ चाहिए ना हम लोग को। मंत्री आवास साहब भी यहाँ पर आए थे, आप लोगों से मुलाकात की, क्या कहा? इरफान भाई बुलाए थे इन लोग, हम लोग का क्या बातचीत हुई आवास साहब से? क्या बातचीत? अरे भाई ने हम लोग को सबको बोला है, हम लोग आके उनके पास तकलीफ बोले, हम लोग सब खाली कर रहे, अरे भाई हमारे लिए कुछ करो, आप आगे बढ़ो करके उनने भी हम लोग का आगे बढ़ा दिया, उसमें उसने भी आवास सर को बुलाया, सबसे मीटिंग किया, सबको बुलाया, हम लोग कम से कम यहाँ पे 2000 पब्लिक दो 3000 का फैमिली होएगा इधर, सबने आया मीटिंग में, आवर साठ भी आए, सबको बोले, उनने भी मदद की है, उन्होंने भी मदद की हम लोग रहने के लिए, लेकिन हम लोग काली नहीं करेंगे यहाँ से, कोई भी कुछ भी होने दे, हम लोग खाएगा तो देखेंगे उसको। तो क्या आपने कदम उठाया? जी लोग आकर मुझे बताने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, रेलवे ने मदद लेकर गई है, मैं ठीक है मामला के अंदर मैं आवर्ड साहब से बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर आवर्ड साहब को मैंने लोगों के बारे में बताया और नोटिस दिखाया, आवर्ड साहब बोले कि मैं खुद आकर ये मामला में जा करने की कोशिश करूँ पर्सनली, और पर्सनली वो यहाँ पर आए, उनके बाप की बात उन्होंने बोला भी था कि टाइम नहीं, लेकिन फिर भी मैं आऊँ, फिर भी और मुंबई से वो किस तरीके से टाइम निकाल कर पहुँचे हैं बहुत मुश्किल से, लेकिन वो आके लोगों को अभी आप लोगों के सामने जो बोले।